दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा और रामबाण योगासनों के अभ्यास बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपने टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 422 मिलियन लोग जो 18 साल की उम्र से ऊपर हैं वो डायबिटीज से पीड़ित हैं और अकेले भारत में 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज से पीड़ित हैं। 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, यानी रिस्क बहुत अधिक है। तो अगर आप अलर्ट हो गए और इस डायबिटीज़ पर आज से ही काम करना शुरू कर दिया, ज़रूर आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने आज ही डायबिटीज़ की रोकथाम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, दिनचर्या नहीं बदली, तो आपको इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी दिखने में परेशानी हो सकती है। ब्रेन काम करना बंद कर दे, यानी स्ट्रोक की समस्या। हार्ट काम करना बंद कर दे, यानी हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। किडनियाँ काम करना बंद कर दे, यानी किडनी फेलियर। नर्व्स जो है ना, हमारी नर्व्स भी फेलियर भी बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं डायबिटीज़ आखिर है क्या। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसीज़ है, यानी चयापचय संबंधित समस्या जो डायबिटीज़ की समस्या है। अब इसको ज़रा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या होता है, हम कुछ भी जब खाते पीते हैं ना, तो वो खाना आपके मुंह में गया, दांतों के मदद से वो फर्दर ब्रेक डाउन हुआ और जब वो शरीर में अंदर गया तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारे ब्लड में मिलने के बाद जो अब हमारे शरीर में जाता है, तो पैंक्रियाज से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाता है और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं। उसी की वजह से हमारे शरीर में ताकत आती है। आई होप ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब डायबिटीज़ जो है 3 तरीके की होती है। पहले तरीके की डायबिटीज़ वो होती है जो बचपन से ही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़। तो इसमें क्या है कि उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दूसरी तरीके की डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन शरीर उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। और तीसरी तरीके की डायबिटीज़ नॉर्मली जब महिलाएं प्रेगनेंसी में होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनको इस तरीके की डायबिटीज़ हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम टारगेट करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़। हम ये तो समझ गए कि डायबिटीज़ है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं, लेकिन पता कैसे चले कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली प्यास लगती है, बहुत जल्दी जल्दी उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, पेशाब लगती है, थकावट बनी रहती है, पूरे दिन शरीर में चिड़चिड़ापन बना रहता है और साथ ही बहुत तेज़ी से आपका वेट लॉस होता है, साथ ही आपकी विजन में भी प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक जानकारी, हर एक बारीकी को अच्छी तरीके से समझिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ, उसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और आपको एक चीज़ और मिस नहीं करनी है, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो ज़रा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। होता क्या है, आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन वीडियो देखते देखते इतने मगन हो जाते हैं ना कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबा लेंगे ना, तो आपको मेरी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है जब भी मैं अपलोड करूँगी वो आपके मोबाइल पे और लैपटॉप पे मिल जाया करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों चूंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसीज़ है, तो आज हम ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो। ऐसे योगासन जिससे कि हमारी पैंक्रियाज का फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो और बैलेंस हो। तो अपने दाहिने हाथ को बॉडी के पीछे रखेंगे, बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपने चेहरे को घुमाते हुए पीछे देखेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद यही अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे कि राइट हथेली को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखा और लेफ्ट हथेली को बॉडी के पीछे रखते हुए। तो सारे के सारे जो योगासन हैं वो बेहद सिंपल होने वाले हैं ताकि कोई भी इंसान इसका अभ्यास कर सके और आसानी से इन आसनों से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो पा सकें। सबसे पहला अभ्यास हम ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पर यानी पालती मारकर बैठे हुए करेंगे। तो ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले अपनी दाहिनी हथेली को बॉडी के पीछे लेके जाएं, ऐसे इस तरीके से, और बाईं हथेली को दाहिने घुटने के ऊपर रख दें और फिर अपने चेहरे को घुमाते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और पेट पर जो ये स्पाइनल पेट पर ये जो हल्का मसाज मिल रहा है उसको महसूस करें, ऐसे। और फिर इसी चीज़ को हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखा और बाएं हाथ को बॉडी के पीछे रखते हुए चेहरे को घुमा दिया, ऐसे पीछे देखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर से देखें पूरे के पूरे अभ्यास को। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं, स्पाइनल ट्विस्ट किया, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो अगर शुरू में अभ्यास जो लोग कर रहे हैं ऐसा अभ्यास कर लें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करके करें तो कैसे करेंगे? सांस लें और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे देखेंगे, ऐसे, जिससे पेट पर पूरा दबाव आए। सांस ले फिर से और सांस छोड़े, पीछे देखें, पूरा पेट पर दबाव आए। सांस ले, सांस छोड़ें, सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया। तो इसका अभ्यास कितनी बार करना है? 10 टाइम्स कर लें, 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट। अगर आप 10 बार करने में ऐसा लग रहा है आपको कि आप थक जाएंगे तो शुरुआत 5-5 राउंड से कर लें। अब हम अभ्यास करेंगे मंडूकासन का, ठीक है। अपने दोनों पैर के एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, बॉडी के सामने स्ट्रेच किए हुए। अब दोनों पैरों को एक एक करके घुटने से मोड़ेंगे। देखिए, जिनको घुटने में दर्द की समस्या होगी ना, वो तो इस अभ्यास को ना करें, थोड़ा रुके, मैं कुछ मॉडिफिकेशन आपको बता दूंगी ताकि आप आसानी से करें। तो ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, अंगूठों को जोड़े हुए, एड़ियों को बाहर रखे हुए, एड़ी पर आराम से बैठ गए। अब क्या करेंगे? दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठियाँ बना लें, अंगूठा अंदर और उसके ऊपर बाकी की 4 उंगलियाँ ऐसे। और अब आपका अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसको आप अपनी नाभि के दोनों साइड, ये हो गई मेरी नाभि, और नाभि के दोनों साइड एग्जैक्टली इस तरीके से रखेंगे। सांस लेंगे, थोड़ा सा पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट पर जो ये दबाव मिल रहा है इसको महसूस करेंगे और इस पॉस्चर को कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे, ऐसे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस से उठ जाएंगे। तो इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। अगर सांस रोकने में दिक्कत आए तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस लेते हुए धीरे 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 रिलीज कर दें। अब अगर जिन लोगों को घुटने में दर्द की समस्या है या कि फिर एंकल इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वज्रासन में बैठ पाएं, पालती मारकर क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठेंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों की उसी तरीके से मुट्ठियाँ बना ली। इन मुट्ठियों को अपने नेवल रीजन के साइड में रखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे 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 सामने झुक जाएं। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हाफ इस तरीके से, और सामने देखते हुए ब्रीद करें। और फिर उसके बाद हेड अप। अगर सांसों को रोक सकते हैं रोके, वरना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फिर से देखें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड और पूरा दबाव पेट पर महसूस करें, ऐसे। फिर उसके बाद रिलीज कर दें। जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है वो मंडूकासन अवॉइड करें, बाकी के सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपको लोअर बैक में टेंशन है, सामने झुकने में परेशानी आ रही है, फिर भी आपको इसका अभ्यास अवॉइड ही करना चाहिए। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं जो हमारे पूरे पेट की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा दबाव डालेगा और हम साथ ही साथ हमारे पैंक्रियास को जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव भी करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा। तो दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया है। अभ्यास कर रहे हैं सीटेड फॉरवर्ड बेंड, या हिंदी में, संस्कृत में इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। देखिए कैसे करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे छत की तरफ खींचा, दोनों बाजुओं को कान के पास रखा है, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड मेरी एकदम सीधी है और ऐसे लग रहा है कि मुझे आगे की तरफ से कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है, और जितना हो सके मेरे पेट पर, मेरे थाई का दबाव पड़ रहा है। अगर ऐसे अंगूठे पकड़ पाएँ तो पकड़ लें और फिर उसके बाद आपकी चेस्ट थाई की तरफ जा रही है और माथा घुटने की तरफ जा रहा है ऐसे। 5, 4, 3, 2, 1। वापस से सांस लिया, तो इसको आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितनी देर तक भी सांस लेते रोकने का कर सकते हैं, रोकें। और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख लिया, दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब आगे के जो योगासन हैं उनको हम पेट के बल लेट कर करेंगे, जिससे कि पेट पर बड़ा अच्छा मसाज मिले। तो आराम से अपनी योगा मैट पर आप पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से। और सबसे पहले पेट के बल लेटने के बाद रेस्ट करेंगे। देखिए योगासन आप कितने भी कर लें, लेकिन बीच बीच में अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा हर एक योगासन के बाद थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर प्रैक्टिस करें। रेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, लंबा रेस्ट हम अभ्यास के आखिरी में करेंगे। तो रेस्ट कर लें इस तरीके से, क्रोकोडाइल पोज या मकर आसन में इस तरीके से। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं। इस आसन का नाम है कोबरा पोज, ठीक है ना, या संस्कृत में इसे कहते हैं भुजंगासन। इसमें क्या करना है, आपको आपकी एड़ियों को ऐसे जोड़ना है, अंगूठों को ऐसे जोड़ना है, अंगूठों को ऐसे बाहर की तरफ, पैर के अंगूठों को ऐसे बाहर की तरफ टर्न कर देंगे और फिर दोनों हथेलियों को अपनी छाती के साइड में रखेंगे ऐसे, ठीक है ना, छाती के साइड में रखेंगे। अब ज़रा ध्यान मेरे शोल्डर्स पर लाइएगा, हेड को ऐसे ड्रॉप कर दिया, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाएं, सर को उठाएं, छाती को उठाएं और शोल्डर्स को रोल बैक कर दें, ताकि चेस्ट पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आए, चेस्ट कंप्लीटली ओपन हो जाए। नाभि जो है मैट पर है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, एड़ियाँ जुड़ी हुई है ताकि पूरे के पूरे बैक मसल्स पर स्ट्रेच आए और पेट पर बड़ा अच्छा दबाव मिले। और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें, फिर से सांस लें, रोल योर शोल्डर्स बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक्सहेल। तो आराम से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं इस तरीके से, ऐसे लेट गए हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे लेटने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैर के एड़ियों को और घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। अभ्यास कर रहे हैं सेतुबंध आसन का, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रिज पोज, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से उठाना है, जितना उठा सके ऐसे। अपनी जो कूल्हे की मसल्स है ना, इनको थोड़ा टाइट करना है, हिप को ऊपर की तरफ पुश करते रहना है, ताकि पेट पर अभी सारा दबाव पड़ रहा था और अभी बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। 5, 4, 3, 2 और 1 और फिर धीरे से हिप डाउन कर दें। दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हैं, इसमें सांस ले, होल्ड करें पॉस्चर को और धीरे से अपनी कमर के नीचे ऐसे हाथ रखें और कमर को जितना उठा सकते हैं उठाएं। और आप क्या करेंगे पता है, यहाँ पे पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, ताकि पेट पर एक बहुत अच्छा दबाव आए। ऐसे कमर ऊपर की तरफ उठी हुई हो और जो पेट की सारी मांसपेशियाँ हैं इसको अंदर की तरफ पुल करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांसों को रोक करके अभ्यास ना कर पाए तो फिर सांसों को लेते और छोड़ते रहें। अब हम अभ्यास कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन या इंग्लिश में इसे कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। इस आसन का अभ्यास इतना ज़बरदस्त है ना कि पेट से रिलेटेड समस्याएं यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में तो ये काम करेगा ही करेगा, डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन इसको इम्प्रूव करेगा, आपके स्टमक से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छी तरीके से सिक्रीट होंगे, आपके इंटेस्टाइन को बहुत अच्छी मसाज मिलेगी, साथ ही पूरी रीढ़ की हड्डी पर आप जब इसका अभ्यास करेंगे खुद ब खुद इफेक्ट देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाना है। फिर उसके बाद क्या करें, पालथी मार के बैठ जाएं। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठने के बाद अपने दाहिने पैर को बाएं घुटने के पास ऐसे रख दें इस तरीके से, और जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखें। ज़रा साइड से दिखला दूं आपको, इस तरीके से। तो मेरा दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना, राइट हील को लेफ्ट नी के पास रखना, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखना इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपकी लेफ्ट हील जो है राइट हिप के एग्जैक्टली नीचे है इस तरीके से, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखना, और फिर उसके बाद अपने चेहरे को घुमा देना राइट कंधे की तरफ, दाहिने कंधे की तरफ, और अपनी राइट नी को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे पुश करना, पुल करना, और पूरा पीछे देखते रहना ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, अगर सांसों को रोक सकते हैं 10 सेकेंड रोकें। मैं सजेस्ट करूंगी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप कम से कम इस पॉस्चर को 15, 20, 30 सेकेंड तक रोक के रखें ऐसे। दूसरा वेरिएशन इसका कर सकते हैं, ये तो कंप्लीट बिगनर के लिए था। दूसरा वेरिएशन कर सकते हैं हाथ को ऐसे घुमाते हुए अपने राइट पैर के एंकल को लेफ्ट पाम से पकड़ लिया और पीछे देख रहे हैं ऐसे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। अब हम इसी अभ्यास को दूसरी साइड रिपीट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, एक साइड जब अभ्यास कर लें तो उसी अभ्यास को दूसरी साइड उतनी ही टाइम तक ज़रूर करना है, और 3-3 बार इसका अभ्यास करें या कि फिर ज़्यादा देर तक रोक के रखें। अब हमने राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया, राइट हील लेफ्ट हिप के एग्जैक्टली नीचे है, राइट घुटने के पास लेफ्ट हील है ऐसे, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को अपने राइट शोल्डर की तरफ ऐसे पुल कर रहे हैं जिससे कि आपके पेट पर काफ़ी अच्छा दबाव आए, और फिर उसके बाद चेहरे को घुमा दिया और पूरा पीछे देख रहे हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। यह अभ्यास जब हो जाए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता हो तो दाहिने हाथ को पूरा छत की तरफ खींचते हुए, और फिर उसके बाद अपनी लेफ्ट एंकल को पकड़ा, बॉडी कितनी अच्छी तरीके से लॉक हो गई है, और चेहरे को घुमा दिया ऐसे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये सारे आसनों का अभ्यास आपको खाली पेट करना है, क्योंकि इन सभी में पेट पर अच्छा खासा दबाव आ रहा है। मिनिमम हर एक अभ्यास को 3 से 5 बार ज़रूर रिपीट करें। हर एक पॉस्चर को या तो सांसें नॉर्मल लेते हुए छोड़ते हुए करें, या तो फिर जैसे जैसे मैंने हर एक आसन के अभ्यास के वक्त आपको गाइड किया है, कब सांस लेना है, कब सांस रोकना है, कितनी देर तक रोकना है, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तो अगर बचाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी डाइट को कंज्यूम करना, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे ब्लड के शुगर को शूट ना करें, ब्लड के शुगर को कंट्रोल करके रखें। साथ ही आपको प्रॉपर नींद, गहरी नींद आना बेहद ज़रूरी है। तो अपनी नींद का जो शेड्यूल है, स्लीप साइकिल है, उसको क्लियरली मॉनिटर करें कि आप कोशिश करें 10 से 11 बजे रात में सो जाएं और सुबह 6 से 7 बजे आराम से उठ जाएं। इसके अलावा अत्यधिक स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेज हमेशा करनी है जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो, आपको आपका वेट नहीं बढ़ने देना है, वेट को कंट्रोल करके रखना है, साथ ही नशे से दूर रहना है, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो आपके शरीर में जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी या कि फिर अल्कोहल को नो कहना है, ना कहना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। ये तो हो गई लाइफस्टाइल की बात। कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता देती हूँ। आजकल जामुन का मौसम है, जामुन आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगी। जामुन का सेवन करें और जब जामुन खा लेना तो उसकी गुठलियों को बचा के रख लें, क्योंकि जिस सीज़न में जामुन नहीं होगा तो उन गुठलियों को सुखा लें, उनका पाउडर बना लें और जैसे आप चाय पीते हैं ना, थोड़ा सा गर्म पानी कर लें और उसमें उस पाउडर को डाल लें, थोड़ा सा हिला लें, छान लें और फिर उसको दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। दूसरा, आपकी जो नॉर्मल चाय है उसको ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। आंवले का रस अगर सीजन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या कि फिर किसी अच्छी सी कंपनी का आंवले का रस ले आएं। 10 ग्राम आंवले के रस में कम से कम 2 ग्राम हल्दी मिला लें, उसको चलाएं और अच्छी तरीके से दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। सबसे बहुत आसान चीज़ बताऊंगी, आप सभी के घर में तुलसी, हमारे इंडियन घरों में तुलसी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप तुलसी के 4 से 5 पत्ते तोड़ें ताज़ा ताज़ा, इसका रस बना लें या कि पत्तियों को ऑलरेडी धो लें और फिर इसको चबाना शुरू कर दें। ये तो थे कुछ चुनिंदा योगासनों के अभ्यास। अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में मेरी निगरानी में रह के हर दिन आप 1 घंटे का अभ्यास करते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान किस तरीके से करते हैं, रिलैक्सेशन की टेक्निक, साथ ही अपनी बॉडी को नेचुरली किस तरीके से डिटॉक्स करते हैं, वो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। अगर आप बिगनर हैं, पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, तो घबराइए नहीं, ये क्लासेस आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएंगी और हर एक प्रैक्टिस को आसान करने के लिए मैं हूँ ना। कोई हेल्थ कंडीशन है इसके लिए भी घबराइए नहीं, प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरीके से मैं मॉडिफाई करती हूँ, आसनों को बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई करती हूँ ताकि सभी अभ्यास आसानी से कर सकें। अगर आप इन जूम योगा क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स, इन कोर्सेज़ को मैंने इतनी केयरफुली डिज़ाइन किया है ताकि कोई भी इंसान जो पहली बार योग का अभ्यास कर रहा है वो आसानी से इन वीडियो को देख के अभ्यास अपने घर पे ही रह के कितनी भी बार कहीं भी आसानी से अपने अभ्यास को शुरू करें और अभ्यास जारी रखें। जब आप इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हैं ना, तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। अगर आप इन कोर्सेज़ के बारे में और इन क्लासेस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रही हूँ, जो कि है www.yogawithshaheeda.com। अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में हर एक जानकारी भेज दी जाए। तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से मैंने आपको इन योगासनों का अभ्यास बताया, सिखाया। अगर अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि फ्यूचर में आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए इतनी मेहनत हो रही है, मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, आप वीडियो को अंत तक भी देख रहे हैं, तो आप जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दबा लीजिए और परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप हर दिन योग का अभ्यास करेंगे ताकि आपको योग के माध्यम से जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो भरपूर हो। खुद भी योग का अभ्यास कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों को सबको मोटिवेट कीजिए कि वो भी योग का अभ्यास करें। आप अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।